हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। आज का जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। हम उस वर्ड का मीनिंग देखेंगे, उस वर्ड के साइनोनिम्स एज वेल एज एंटोनिम्स देखेंगे, साथ ही साथ उस वर्ड की यूजेज देखेंगे कि कैसे हम उस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है, अब हम वो देखते हैं। सो आज का जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है वो है रोबस्ट। देखिए, रोबस्ट का मीनिंग देख लेते हैं। रोबस्ट का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी कि कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट अगर काफी स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, तो हम उसे क्या कहते हैं? रोबस्ट कहते हैं। सो इसका एक और वर्ड भी है, इसके लिए हम यूज करते हैं वीग्रस। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं जो सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, यानी कि कोई चीज अगर काफी स्ट्रॉन्ग है या हेल्दी है तो वो देख लेते हैं। वर्ड्स हेफ्टी हो गया, पोटेंट हो गया, स्टर्डी हो गया, वीग्रस हो गया, ब्राउनी हो गया या बोइस्ट्रस हो गया, ये सभी सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। यानी कि कोई अगर पर्सन या ऑब्जेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर पर्सन है, वो काफी मतलब हेल्दी है, तो उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। और जहां तक बात है एंटोनिम्स की, जो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं, यानी कि कोई पर्सन अगर वीक है तो उसके लिए हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, जैसे फ्रेजाइल हो गया, लेथार्जिक हो गया, वीक हो गया या फ्लैबी हो गया, ये बिल्कुल अपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं। और जहां तक बात है यूजेज की, कि कैसे हम रोबस्ट को हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, तो देखिए, द रोबस्ट एक्टर क्विकली रिकवर्ड आफ्टर हिज नी इंजरी, यानी कि नी इंजरी के बाद उस एक्टर ने इजीली रिकवर कर लिया, उस रोबस्ट एक्टर ने, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, इसीलिए हमने यहाँ पे रोबस्ट का यूज किया। ठीक है, सो इस तरीके से हमने इस वर्ड का आज देखा, और इसी पैटर्न पे कल हम एक और वर्ड आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।